पेज नंबर 93। हमने प्लस वन के अंदर एक चैप्टर किया था प्रोजेक्टाइल। देखो प्रोजेक्टाइल किया, प्रोजेक्टाइल में क्या किया था कि अगर टॉप ऑफ द बिल्डिंग से यू वेलोसिटी से एक बॉल को गिरा जाए तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कहां होती है, नीचे की तरफ, तो ग्राउंड पे पैराबोलिक पाथ फॉलो करता है ये प्रोजेक्टाइल। और हमने ये भी देखा था कि यू की वैल्यू वेलोसिटी हॉरिजॉन्टल में कभी चेंज नहीं आता, वर्टिकल वेलोसिटी इनिशियली क्या है, जीरो, एंड कीप्स ऑन इंक्रीजिंग। क्या स्टेप क्लियर है? तो अगर मान लो प्रोजेक्टाइल यहां पे गिरता है कवरिंग अ डिस्प्लेसमेंट ऑफ एक्स एंड वाई, तो उस केस में अलोंग एक्स एक्सिस यू कैन अप्लाई एक्स इज इक्वल टू यू इनटू टी, क्योंकि एक्स एक्सिस में वेलोसिटी कांस्टेंट है और टाइम की वैल्यू एक्स डिवाइडेड बाय यू, और वाई एक्सिस में वाई इज इक्वल टू जीरो प्लस हाफ इंटू जी टी स्क्वायर, तो हाफ इंटू जी इंटू टाइम की जगह एक्स बाय यू का होल स्क्वायर, तो वाई प्रोपोर्शनल टू एक्स स्क्वायर, तो हम बोलते थे कि ये पैराबोलिक पाथ कवर करता है, ऐसा कुछ सिखाया जाता था। ठीक है, बिल्कुल सेम उसी तरीके से इसके अंदर हमने क्या करना है, सपोज ये इलेक्ट्रिक फील्ड है ऊपर की तरफ, ई वेक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड है, एक चार्ज पार्टिकल मूव कर रहा है विद अ वेलोसिटी ऑफ वी, वो सीधा जाना चाहता है लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड रास्ते में आ गया, तो होगा क्या कि वो सीधा एंटर करता है लेकिन इनिशियल वर्टिकल वेलोसिटी उसकी क्या थी, जीरो, तो क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर है तो इट विल एक्सपीरियंस अ फोर्स ऊपर की तरफ विद एन एक्सेलरेशन ऑफ क्यू ई बाय एम, फोर्स अपॉन मास, तो ये ऊपर भी जाएगा और आगे भी जाएगा। आगे इसलिए क्योंकि आपने इसको आगे भेजा और हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं आएगा क्योंकि हॉरिजॉन्टल में एक्सेलरेशन ही नहीं, वर्टिकल में वेलोसिटी बढ़ती जाएगी, इनिशियल जीरो एंड कीप्स ऑन इंक्रीजिंग। तो आपको फिर प्रूफ करना है कि ये पैराबोलिक है, तो मान लो डिस्प्लेसमेंट वाई में वाई और एक्स में एक्स है, तो एक्स एक्सिस में यू कैन अप्लाई एक्स इज इक्वल टू वी टी क्योंकि वेलोसिटी कांस्टेंट है, एंड वाई एक्सिस में यू कैन अप्लाई जीरो प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, तो वाई इज इक्वल टू हाफ क्यू ई बाय एम, टाइम की जगह एक्स बाय वी का होल स्क्वायर, तो वाई प्रोपोर्शनल टू एक्स स्क्वायर। तो प्रूफ है कि चार्ज पार्टिकल कैसे मूव करेगा इन अ पैराबोला, बिल्कुल वैसे ही सेम है प्रोजेक्टाइल की तरह। तो यही बुकलेट में किया हुआ है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, चार्ज पार्टिकल है, वाई और एक्स है, एक्स एक्सिस में एक्स इज इक्वल टू वी टी है, तो यहां से टाइम की वैल्यू एक्स बाय वी, वाई एक्सिस में जीरो हाफ ए टी स्क्वायर, टाइम की जगह एक्स बाय वी, तो यानी कि वाई प्रोपोर्शनल टू एक्स स्क्वायर, बाकी सब कांस्टेंट है, और ये इक्वेशन किसकी है, पैराबोला। तो जो मैंने शीट दी थी हैंड रिटन उसका पहला प्रूफ ये है, क्लियर है। और दूसरा लॉरेंट्स फोर्स हमने क्यू ही ऑलरेडी,